अरुण सावंत, नुकसान हुआ उसकी ओवरहॉलिंग शुरू हो गई क्या? ये तो आप ही के नेता ने कहा, सबसे बड़े नेता ने, कि नुकसान हुआ दलितों में और आदिवासियों में। संविधान का जो खौफ दिखाया गया, बकौल आपके, ओवरहॉलिंग शुरू हो गई क्या ओडिशा से, क्योंकि झारखंड में चुनाव है। ये आप भी जानती है और सारा देश जानता है कि इंडी गठबंधन जो है, उस इंडी गठबंधन ने किस प्रकार से इस बार इस इलेक्शन में प्रचार किया और किस नैरेटिव पे वो जीत के आए, सारी जनता इलेक्शन के बाद अब ये बात जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिनका नाम था अनंत हेगड़े, जो बीजेपी के एक नेता है, वो कोई प्रवक्ता नहीं है या कोई मिनिस्टर नहीं थे या कुछ भी नहीं थे, उन्होंने एक सभा में एक बयान किया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है वो 400 पार का रखा है। वो इसीलिए उन्होंने 400 पार का लक्ष्य रखा क्योंकि हर बार आदमी ऊपर का सोचता है। पिछली बार अगर हमें समझो 350 थे तो अब हम 400 का लक्ष्य रखेंगे, और लक्ष्य रखना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन हेगड़े जी ने जो बात की थी उस वक्त, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। उस बात को पकड़कर इंडी के सारे नेताओं ने, राहुल गांधी से लेकर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सभी ने उसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो एनडीए सरकार जो है, वो अगर 400 का आंकड़ा छूती है तो पूरे देश की घटना को उन लोग बदल देंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। इस प्रकार का डर उन्होंने लोगों के दिलों में पैदा किया। तो और अरुण सावंत, आम आदमी जो उस डर को, उस इसका नुकसान हुआ, ये तो आपकी पार्टी के, अरुण जी सुनिए ना, आपकी पार्टी को नुकसान नहीं, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। आप एक एंकर है, आप एक एंकर, गरिमा जी एक मिनट, आप एक एंकर है और आप अपने नाम के जैसे भी नाम का भी गरिमा रखिए। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। जिस प्रकार से झूठी बातें फैलाई गई, उस बातों से जनता भ्रमित हुई और उन्होंने डर की वजह से, माइनॉरिटी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, उन्होंने इंडी कि जो भी कैंडिडेट थे उनको मतदान किया और आज उनको ये सारी बातें मालूम पड़ने लगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले भी जो जो काम आदिवासी जनता के लिए किए थे वो सारे जनता के सामने, आप भी उसको भली भांति जानती हैं और देश जानते हैं। तो इस बात को मैं या आप नकारना नहीं चाहिए कि ये जो जीत है झूठ से मिली हुई जीत है और ये झूठ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ अरुण जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब जो नुकसान हुआ, नुकसान तो हो गया, ये तो एकनाथ शिंदे भी मान रहे हैं, बिल्कुल, इस नुकसान की भरपाई क्या ओडिशा से शुरू हो गई? एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, तो आदिवासियों के बीच झारखंड में मैसेज पहुंचाने की कोशिश, और दलित जो वोट बैंक छिटका, क्या ये संभावना हो सकती है कि जेपी नड्डा की जगह बीजेपी ने, बीजेपी में बंगारू लक्ष्मण के बाद कोई पहला दलित अध्यक्ष मिले, ये संभावना बनती है क्या? गरिमा जी संभावना बनती है या नहीं बनती है, इस बात को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अगर देश के प्रधानमंत्री ओडिशा जैसे राज्य में किसी एक आदिवासी को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसमें गलत क्या है? आप उसको झारखंड से क्यों जोड़ रही हो? क्या इसके पहले पिछले 5-10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए कभी कुछ काम नहीं किए क्या? हाँ। मैं ऐसे कई अनगिनत उदाहरण आपको दे सकता हूं, जो उदाहरण इस आपको और इस देश की जनता को समझ में आएंगे कि काफी अच्छे प्रोग्रेसिव काम नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के लिए किए थे। उसमें आदिवासी न्याय अभियान जैसी बड़ी योजना उन्होंने पूरे पूरे देश में
चलाई थी जिससे आदिवासियों का, पिछड़े जमाती का। अरुण जी, आप भी शिवसेना के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और आप पॉलिटिक्स में हैं, तो जब मैं झारखंड से ओडिशा को जोड़ती हूं तो ये भली भांति आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग, पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स में इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मेरे साथ हैं अभी तनुष।